नमस्कार, आप देख रहे हैं इत्सी न्यूज। एक और जहां लोग कह रहे हैं कि देश धर्म के नाम पर बट रहा है, वहीं कुछ उदाहरण इन तथ्यों को गलत साबित करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान अब भी बचा हुआ है। ऐसी मिसाल वो लोग बनाते हैं जो इंसानियत को तवज्जो देते हैं, कर्म को धर्म से बड़ा समझते हैं। आज हम एक ऐसे ही मुसलमान शख्स की बात करेंगे जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा लेकिन सांसारिक ज्ञान खूब बटोरा, जिसकी सोच में दुनिया को चलाने वाला एक है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर, वहाँ प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के सहस्त्रेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। प्राप्त की गई जानकारी के मुताबिक इस शिवलिंग का वजन 2.5 टन है, जबकि इसकी लंबाई और चौड़ाई 6.50 फीट है। शिव की शिवलिंग को जो जलाधारी यानी कि जिलहरी में स्थापित किया जाना था, इसके लिए बकायदा क्रेन की मदद ली जानी थी। इसके लिए प्रशासन ने PWD PHE जिला पंचायत सहित सभी विभागों के इंजीनियर्स को बुलवाया, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आखिर शिवलिंग को जिलहरी पर कैसे उतारा जाए। उसके बाद भगवान को मंदिर में स्थापित करने का जिम्मा एक मुस्लिम मिस्त्री ने उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस काम की तैयारी चल रही थी, तब वहां मकबूल नाम के एक मिस्त्री भी काम कर रहे थे। अधिकारियों और इंजीनियर्स को इस समस्या से जूझते हुए मकबूल देख रहे थे, लेकिन कोई भी जब इसका समाधान नहीं निकाल पाया तो अंत में मकबूल ने ऐसा तरीका बताया जो पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। जब उन्होंने इसका समाधान बताया तो वहां खड़े सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। सबसे कमाल की बात यह है कि मकबूल कभी स्कूल नहीं गए, इसके बाद भी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस समस्या का समाधान निकाला। आपको बता दें, मकबूल ने ये उपाय सुझाया कि शिवलिंग को जिलहरी में जिस जगह पर स्थापित करना है वहां पर अगर बर्फ रख दिया जाए तो जिलहरी को भी नुकसान नहीं होगा और शिवलिंग भी सुरक्षित रहेगी। इसके बाद बर्फ पिघलने के साथ भगवान शिव जिलहरी में प्रवेश करते जाएंगे। कोई अन्य रास्ता ना देखते हुए सब ने मकबूल की बात मानी और उसकी सूझबूझ काम आ गई। इंजीनियरों को घंटों से परेशान करने वाली समस्या को मकबूल ने मिनटों में सुलझा दिया। उनकी सूझबूझ से शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव जलाधारी में स्थापित हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए मकबूल ने कहा कि अल्लाह ईश्वर एक ही है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हाथों से ये पुनीत काम हुआ है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि शिवलिंग को जिलहरी में स्थापित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी इंजीनियर बुला लिए गए, सभी अधिकारी लग गए, लेकिन कोई उपाय नहीं दिख रहा था। मकबूल भाई आए और उन्होंने ये काम आसानी से कर दिया। ऐसा लगा कि इस काम के लिए उन्हें भगवान नहीं भेजा था। आप इस खास रिपोर्ट को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें इत्सी न्यूज़। धन्यवाद।